अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ मुदस्सिर एंड आई एम योर साइंस टीचर। लेवल 4 में मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको लेवल 4 की साइंस की बुक नज़र आ रही होगी, ठीक है। और इसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ हिस्सा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की जाने और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे लिए दी गई हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे चैप्टर का नेम जो है वो क्या है, आवर बॉडी चैप्टर नंबर 1 है, जो कि आपको पेज नंबर 1 पे नज़र आ जाएगा। अगर आपके पास बुक मौजूद हो तो आप बुक भी निकाल के देख सकते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन। यानी कि आज के इस सेशन में हम एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन और इंटरनल बॉडी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन और इंटरनल बॉडी ऑर्गन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम अपने बॉडी के बारे में जानते हैं कि हमारी बॉडी क्या है और ये कैसे वर्क करती है, फिर आगे चलते हैं। मशीन आर टूल डैट मेक आवर वर्क ईजियर। मशीन क्या है, टूल्स होती है, एक सिंपल औजार होता है जो कि हमारे काम को क्या करता है, ईजी करता है, आसान बना देता है। वी यूज़ दिस मशीन इन आवर डेली लाइफ टू मेक आवर लाइफ कम्फर्टेबल। हम रोज़ाना डेली बेसिस पे बहुत सारी मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को कम्फर्टेबल करने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है। ऑल द पार्ट ऑफ अ मशीन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। कि जितने भी मशीन के पार्ट्स हैं वो सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं जब कोई टास्क जो है वो परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बॉडी का एक ही पार्ट्स काम कर रहा हो या किसी मशीन का एक ही पार्ट्स काम कर रहा हो, पूरी मशीन को जो टास्क दिया गया है वो कंप्लीट करें, ऐसा नहीं है। यानी कि मशीन के अंदर, फॉर एग्जांपल एक मशीन है और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं, तो वो सारे साथ काम करेंगे तो फिर हमारी वो मशीन जो है वो काम करेगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी के बेटा बहुत सारे पार्ट्स हैं, जब ये सारे साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कोई एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो कम्प्लीट करते हैं, हम कोई भी काम को परफॉर्म करके दिखाते हैं। इफ़ एनी पार्ट स्टॉप वर्किंग, अगर कोई भी पार्ट काम करना छोड़ दे, रुक जाए, द मशीन विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। अब मशीन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो प्रॉपर काम कर सके, ठीक है। बिल्कुल सेम यही फंक्शन हमारी बॉडी का भी है, ओके। अब चलते हैं सेकेंड ग्राफ की जाने। आवर बॉडी इस लाइक अ मशीन, हमारी बॉडी भी बेटा बिल्कुल मशीन की तरह ही है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टू, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे हिस्से हैं। दीज पार्ट आर कॉल्ड ऑर्गन्स, इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है बेटा, ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन किसे कहते हैं, ऑर्गन मीन उज़ू, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट है इसको ऑर्गन कहा जाएगा, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन, इस वक्त हमारी बुक में हमें टू टाइप्स के बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन जो है वो दिए गए हैं। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से दो बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनमें क्या बताया गया है। बेटा सबसे पहला बॉडी पार्ट, जो दो पार्ट्स यहाँ पे बताया गया है, एक होता है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या है बेटा, बैरूनी नज़र आने वाला, जिसे हम देख सकें, छू सकें, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डिस्कस किया जाएगा वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। हमें इनको देखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम अपनी आईज से, अपनी आँखों से इनको ईजीली देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन की तरफ। द एक्सटर्नल ऑर्गन आर द ऑर्गन डैट वी कैन सी ऑन आवर बॉडी। द एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन वो बॉडी ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, अपनी बॉडी में, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। सम ऑफ देम आर स्किन, लेग, आर्म्स, हैंड एंड फुट। अब अपनी स्किन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। हम अपने लेग्स को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। हम अपने आर्म्स को भी देख सकते हैं, हैंड्स को भी देख सकते हैं और फुट को भी देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिन्हें हम बआसानी देख सकते हैं। हमें इनको देखने के लिए किसी कोई एक्सरे मशीन की, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम इन्हें अपनी आँख से आसानी से देख सकते हैं, इन्हें छू भी सकते हैं।
इनमें कोई सा भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिन्हें हम ना देख सकते हों। ठीक है, ये थे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। यहाँ पे आपके सामने एक तस्वीर में कुछ एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन भी दिए गए हैं। ठीक है, कुछ तो वही हैं जो हमने अभी बुक में डिस्कस किए हैं, जिनको पढ़ा है हमने। आपके नोज है, लेग है, आर्म है, हैंड है, एयर है, माउथ है, टीथ है, ये सब क्या है बेटा? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन है जिन्हें हम आसानी देख सकते हैं और इन्हें हम छू भी सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन वो बॉडी ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और उन्हें हम छू भी सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के बाहर की जानी मौजूद होते हैं, ऊपर की जानी मौजूद होते हैं, अंदर नहीं होते, इसीलिए इनको एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इंटरनल बॉडी ऑर्गन की जानी। इंटरनल में क्या होता है बेटा? अंदरूनी। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्कस किया जाएगा बेटा इंटरनल बॉडी ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, यानी कि हमारे अंदरूनी अज़ा। ठीक है, आइए चलते हैं, इसको भी देखते हैं कि द इंटरनल बॉडी ऑर्गन आर इनसाइड अवर बॉडी डेट आर नॉट विजिबल। ये बात याद रखिएगा, द इंटरनल बॉडी ऑर्गन आर इनसाइड अवर बॉडी, कहाँ मौजूद होते हैं? इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, डेट आर नॉट विजिबल, और नज़र नहीं आते हमें। ठीक है, डॉक्टर यूज एक्सरे मशीन एंड अल्ट्रासाउंड मशीन टू सी इनसाइड द बॉडी टू ट्रीट एनी इंटरनल ऑर्गन। डॉक्टर जो है यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? एक्सरे मशीन यूज़ करते हैं एंड अल्ट्रासाउंड मशीन, और अल्ट्रासाउंड मशीन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? टू सी, देखने के लिए। किसे देखने के लिए? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर की तरह देखने के लिए। टू ट्रीट एंड एनी इंटरनल ऑर्गन, यानी कि अगर हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन में कोई इश्यू हो जाए तो डॉक्टर जो है बेटा उसको, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई स्पेशल आइज हो वो उन्हें देख सके, बल्कि डॉक्टर जो है वो क्या यूज़ करेंगे बेटा? एक्सरे यूज़ करेंगे और अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो यूज़ करेंगे कि हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन में जो इशू हुए हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ देम आर इंटेस्टाइन, लंग्स एंड हार्ट। यहाँ पे कुछ हमें नेम दिए गए हैं, इंटेस्टाइन है यानी कि आते हैं जो कि हमारी बॉडी में होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारे लंग्स हैं जिन्हें उर्दू में फेफड़े कहा जाता है, जिनके मदद से हम सांस लेते हैं, और हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। हम अपने दिल को नहीं देख सकते, ना हम अपने लंग्स को देख सकते हैं, ना हम अपने इंटेस्टाइन को देख सकते हैं। हमें नहीं मालूम, हमें ये तो पता है ये किस साइड में मौजूद हैं, लेकिन हम इसकी अंदरूनी शक्ल जो है ऐसे नहीं देख सकते। हमने सिर्फ बुक तक देखा है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं देख सकते जब तक हम एक्सरे या अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो यूज़ ना करें। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम। बहुत सारे बेटा ऑर्गन जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। किस पे बात करेंगे बेटा? एन एक्सटर्नल ऑर्गन डैट इज स्किन। हम बात करेंगे किस पे? यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गन की, जो कि कौन सा है? स्किन है। स्किन को एक्सटर्नल ऑर्गन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के बाहर की जानब मौजूद है। ठीक है, एंड थ्री इंटरनल सिस्टम, और थ्री इंटरनल सिस्टम के बारे में ये पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। वो कौन से तीन सिस्टम हैं? द डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में निज़ाम निज़ाम, द सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा किसे? ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, थोड़ा सा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बेटा हार्ट है, स्टमक है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन, किडनी, लीवर, ब्लैडर, ये तमाम इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। इनमें कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई सा भी बॉडी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो हम अपनी बॉडी के बाहर की जानब देख सकते हैं। सारे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सारे कौन से हैं बेटा? इंटरनल बॉडी ऑर्गन है जिन्हें हम अपनी बॉडी के अंदर ही देख सकते हैं, और उनको देखने के लिए बेटा हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? या तो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो यूज़ करनी होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिए। स्किन को भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। स्किन मीन बेटा खाल, और स्किन इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। स्किन जो है लार्जेस्ट, बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन है, सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन जो है बेटा वो स्किन ही है। स्किन परफॉर्म मैनी फंक्शन, स्किन जो है बहुत सारे फंक्शन हमें फराहम करती है, दिखाती है कैसे। सबसे पहले इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी बाय कवरिंग इट, यानी कि पूरी बॉडी को उसने क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है।
हमारे जितने भी पूरी हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन है वो सारे के सारे इससे कवर हुए हुए हैं, प्रोटेक्ट हुए हुए हैं। और इट हेल्प अस टू मेंटेन सूटेबल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी से बेटा पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और यानी कि हम जो है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के एनवायरनमेंट में भी। ठीक है, अगर ये ना होती तो पता नहीं हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन में कौन कौन से इशू जो है वो हो जाते। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा अच्छा निज़ाम रखा है, हम अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे होते हैं और डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो स्किन जो है क्या करती है इनको रोक लेती है, और डायरेक्ट सन रेज जो होती हैं उनको भी हमारी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होने देती, बल्कि स्किन जो है उनको क्या करती है रोक लेती है। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखती है। इट हैज़ अ सेंस ऑफ टच, ये एक सेंस ऑफ टच भी है, यानी कि हम जो है किसी भी चीज़ को छू करके बता सकते हैं कि भाई ये ठंडी है या गर्म है। हम सर्दियों में गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हम जो है उसको पानी को पहले हाथ लगा के चेक करते हैं, तो हमारी स्किन जो है वो क्या है सेंस ऑफ टच का काम भी करती है, यानी कि हमें पता लग जाता है कि पानी भाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ ठंडा पानी ऐड कर देते हैं, या ठंडी चीज़ होती है तो हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि भाई ये ठंडी है या गर्म है। डियर स्टूडेंट, हमारे लाइफ का ये वीडियो जो है फ़िलहाल यहीं तक थी, और आप कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें जहाँ तक मैंने डिस्कस किया है। कोई बात समझ में ना आई हो तो बराए मेहरबानी अंडरलाइन कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा जहाँ पे भी आपको कोई इशू हो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए डियर स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेहरबानी करके इसे पढ़ लीजिएगा।